बोलेंगे रेडॉक्स, लिखेंगे डाल के यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखो भाई, तो मेरे को बताया यहाँ पर, तुम सबसे पहले मेरे को बताना कि रेडॉक्स जो मेरे पास होता है इसका तुम मतलब क्या समझते हो? रेडॉक्स, क्या बोलेंगे रेडॉक्स। आप लोग बचपन में मेरे पास देखो, मैं आपके हिसाब से पहले डिफेंस को करना चाहता हूँ। सर रेडॉक्स मतलब होता है, एक होता है रेड, क्या होता है बोलेंगे रेड, एक क्या होता है ऑक्स। रेड मतलब होता है लाल, ऑक्स मतलब होता है बैला, तो लाल बैला, लाल बैला इज कॉल्ड रेडॉक्स। हाँ कि ना, कुछ गलत बोला क्या? नहीं, लेकिन तुम लोग क्या बोलते हो? रेडॉक्स। रेडॉक्स दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, किसका बोलेंगे? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। पहले मैं तुम्हारे हिसाब से डिफाइन कर देना चाहता हूँ, फिर उसका मैं मतलब समझा दूंगा। ठीक है, तो इस रेडॉक्स में रेड का मतलब होता है बच्चा रिडक्शन, क्या होता है बोलेंगे रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या होता है बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या होता है बोलेंगे ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो? इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा रिडक्शन, क्या लिखूंगा RDN, इसको लिखूंगा आप OXN। कोई प्रॉब्लम भैया? नहीं है। तो देखो, दुनिया में ऐसा भी कोई प्रोसेस जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, कैसा हो? एक साथ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। हाँ कि ना, मैं अभी तुम्हारे हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ जी, फिर मैं बता दूंगा रेडॉक्स का रियल मतलब क्या था। ठीक है, और मैं फिर से तुम्हें पूछना चाहता हूँ, रेडॉक्स मतलब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम जवाब वही दोगे जो तुम तुम्हारे किताब में छपा हुआ है, लिखा हुआ कहाँ पर? हाँ कि ना, सर ये होता है, वो होता है, ऐसा है, ऑक्सीजन को लेना छोड़ना। सर कोई भी एटम में ऑक्सीडेशन नंबर का गेन और लॉस होना, वो भी पुराना हो गया, उससे भी एडवांस वर्जन है। उसका रियल मतलब जो रेडॉक्स है, तो तुम समझते हो मेरे पास वो नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, निकल जाना, ऑक्सीजन का बढ़ जाना, घट जाना, ये नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, कहाँ पर? हाँ, अरे छोड़ना छोड़ना। ठीक है, यहाँ पर तेरे केमिस्ट्री में टोटल में पास क्या लेंगे, NCERT की चीज़ें लेके नहीं जाएगा कहाँ पर, समझना। यहाँ पर उस मतलब को बोलना चाहता, ठीक है वो मानता हुआ सही है, लेकिन उससे भी कुछ आगे बोल सकते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता उसने बोला है गलत है, उसने भी सही बोला है, लेकिन उसका रियल मतलब कुछ और है जो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, और अगर ये तुम समझते हो रेडॉक्स चैप्टर अगर अच्छे समझ जाते, अच्छे से अगर समझ गए तो याद रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खेल दोगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे सर, देखते ही एकदम वो शॉक हो जाते हैं। सिर्फ वो दो ही चीज़ें चलती हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसलिए एक पढ़ाऊंगा, अगला बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कहाँ पर? तो सबसे पहले डिस्कस कर लूँ मैं रेडॉक्स, क्या बोलेंगे रेडॉक्स। कोई दिक्कत है भैया? चलो, तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, पहला पॉइंट बोल दूँ तुम्हारे हिसाब से कि रेडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिखो, रेडॉक्स इज पहला पॉइंट, रेडॉक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रेडॉक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? पहला पॉइंट कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अच्छे से स्टार स्टार मार्क लिखना। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, समझो। चलो, अब मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन करना चाहता हूँ, तो तुम क्या बोलते हो? ध्यान सुनेंगे, सब लोग ध्यान देंगे। क्या तुम ऑक्सीडेशन का मतलब बोलते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोलते हो ना? क्या बोलते हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो ना? हाँ, तो बोल दो। अगर इलेक्ट्रॉन के में क्या हो रहा है? लॉस। क्या हो रहा है बोलेंगे? लॉस। उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे लिया एग्जांपल, पोटेशियम जीरो था, पोटेशियम जीरो गया, पोटेशियम प्लस वन बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? निकाल लिया। तो इसे तुम क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन बोलते हो ना। और तुम्हें पता, अगर ऑक्सीडेशन पता है तो रिडक्शन का उसका जस्ट उल्टा बोलते हो। याद करो, क्या बोलते हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कॉल क्या बोलते हो? रिडक्शन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, Cl पहले जीरो था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लिया? Cl माइनस आयन। हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ध्यान सुनेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फेंक देना ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रॉन को ले लेना क्या है? रिडक्शन है। क्यों? तो क्या लेना और देना अलग अलग चीजें हैं क्या? अरे हाँ बोलो, दोनों अलग अलग बातें हैं क्या? और क्या दोनों बातें उल्टा है क्या? इसलिए मैं अपने स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। एक पढ़ लो, अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है, या अगला पढ़ लो, पहला पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? क्लियर है? क्या बोला? क्लियर है? समझ रहे हो ना? तो क्या मैं दूसरा पॉइंट में ये बोल दूं बच्चा, सेकेंड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो बोलने जा रहा हूं, मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। बोल दूंगा, ऑक्स इज रिवर्स ऑफ रेड एंड रेड इज रिवर्स ऑफ ऑक्स।
एक पढ़ो अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखो ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। क्या किसी को प्रॉब्लम इसमें? नोट कर लो। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। प्रूव भी कर दिया ना। और साफ साफ बोलना चाहता हूं शुद्ध हिंदी में, एक पढ़ लो अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक को पढ़ो अगले को पलटो, एक को पढ़ो अगले को पलटो, जस्ट उल्टा कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो ऑक्सीडेशन इज रिवर्स ऑफ क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब सुनो भैया, जो मैं डेफिनेशन बोल रहा था, डेफिनेशन को बोलने मेरे हिसाब से भी क्या होता, थोड़ा मैं समझा देना चाहता हूं। उसको पहले बाद में डिफाइन करेंगे कैसे कैसे उसको बोला गया था, क्या क्या बोला गया था। काफी तो मैंने इलेक्ट्रॉन की वजह से बोल दिया। एक बात मैं बताओ यार, ऑक्सीडेशन का मतलब मैं समझाया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैसे बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक क्या बोलेंगे आप, क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सुना ध्यान से यहां पर एकदम, सब लोग इधर ध्यान देंगे। इधर देखो, मैं बोलना चाहता हूं सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या क्या बोलेंगे? लॉस किया, तो मेरा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। उस इलेक्ट्रॉन को मान लो क्या लेंगे यहां पर, समीर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। समीर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तब क्या लेंगे उसका यहां पर? रिडक्शन। उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, उसने क्या किया? गेन किया। तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ क्या? क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ क्या? फ्रॉम मेरे से उसके तक, मेरे से उसके तक। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसी बात को बोलना चाहता हूं भैया, रेडॉक्स कुछ नहीं है, रेडॉक्स इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। रेडॉक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। रेडॉक्स क्या, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। हमेशा कहां जाएगा बोलेंगे? ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। हाँ तो बोल दो, इलेक्ट्रॉन कहाँ बोलेंगे? कहाँ अपने पास, जो लॉस करेगा उसका नाम देख लेंगे, जो गेन करेगा उसका नाम देख लेंगे। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाँ या ना? अगर कोई गेन कर रहा है दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो क्या मैं सीधा सीधा बोल दूँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? लिखो अकॉर्डिंग टू अनिल सर, लिख लो भैया। ये तुम लोग डेफिनेशन बिल्कुल नया लिख रहे हो, लिख रहे हो ना? रेडॉक्स इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। 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 नोट कर लिया? कोई दिक्कत? चलो भैया, तो अगर मेरे पास ये तुम लोग को समझ में आएगा तो सारे पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो फटाफट, बिल्कुल इसको फटाफट नोट करना, ठीक है? हो गया? कोई दिक्कत है? चलो भाई, तो देखो जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ शुरू से स्टार्टिंग कुछ होता है, हाँ कि ना? उसका कुछ इनिशिएट होता है, फिर धीरे धीरे उसको वहाँ पर करते, उसको मॉडिफाई करते चले जाते हैं। तो उसको भी देखना चाहते हैं, पास से रॉक्स को समझाने के लिए कुछ अप्रोच आए थे, बहुत सारे अप्रोच थे, थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ लें क्या? चलो लिखो कहाँ पर। देखो हमारे पास दो अप्रोच आपको पढ़ाऊंगा मैं रेडॉक्स के लिए। एक क्या बोलेंगे? क्लासिकल अप्रोच पढ़ाऊंगा, एक क्या बोलेंगे? मॉडर्न अप्रोच। एक क्लासिकल पुराने जमाने वाला, एक क्या बोलेंगे? मॉडर्न जमाने वाला। ठीक है, कहाँ पर? तो भैया सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्लासिकल अप्रोच। लिखो क्लासिकल अप्रोच फॉर रेडॉक्स। क्लासिकल अप्रोच फॉर रेडॉक्स। क्लासिकल अप्रोच फॉर रेडॉक्स, जो तुम किताब में पढ़ के आए हो ना कहाँ पर। चल देखते हैं क्लासिकल अप्रोच फॉर क्या बोलेंगे रेडॉक्स। स्टार्ट करें? चलो ध्यान देना, सब लोग ध्यान देंगे बढ़िया। कॉपी को दो पार्ट में बांट लें और स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कहाँ पर? अब कॉपी को दो पार्ट में कैसे बांटते हैं मैं सिखा चुका हूँ अपने लेक्चर में, ठीक है? इधर देखो, क्लियर है? चलो देखो, समझे? तो एक साइड आप लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन और एक साइड क्या लिखेंगे? रिडक्शन। हम सिर्फ किसको एक्सप्लेन करेंगे? ऑक्सीडेशन को। रिडक्शन क्या कर देंगे? रिवर्स। चलेगा ना? चलो देखो यहाँ पर, समझो ध्यान सुनना, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। थोड़ा तुम लोग क्लास में जग के बैठो, कुछ बोले तो हाँ ना का जवाब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खैनी वैनी खा के बैठे हैं चुपचाप, हो गया बे, नहीं हुआ बे, ऐसा नहीं। अब कहाँ समझ गए? कहाँ पर? थोड़ा हाँ ना बोले तो अच्छा लगेगा। पानी चाहिए? खैनी दूँ? चूना? रासरी गुटका? नहीं ना, इधर देखा सुन। तो ऑक्सीडेशन और क्या बोलेंगे? क्या चाहिए? रिडक्शन। क्या चाहिए बोलेंगे? रिडक्शन। कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच में सबसे पहले डिफाइन किया गया था ऑक्सीडेशन, यहाँ पर
ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे, ऑन द बेसिस कहेंगे यहां पर ऑक्सीजन। सबसे पहले डिफाइन किया गया था ऑक्सीजन के बेस पे, किसे बोलेंगे आप, कहां पर ऑक्सीजन के बेस पर इसको डिफाइन किया गया, क्या बोलेंगे ऑक्सीजन के बेस पर डिफाइन किया गया था, मतलब निकालेंगे यहां पर सबसे पहले क्या लेंगे यहां पर डिफाइन किया बोलेंगे, चलेंगे यहां पर ऑक्सीजन के बेस पर, क्या बोलेंगे ऑक्सीजन एटम को बेस मान करके डिफाइन किया गया, और ऑक्सीजन को मैं लिख रहा हूं ओ, क्या बोल रहा हूं ओ, तो ओ के बेस में थोड़ा सा इसको डिफाइन कर रहा हूं, कर दूं तो आप लोग क्या पढ़ दो भैया, अगर किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या बोलेंगे यहां पर ऐड हो रहा है, क्या और बोलेंगे ऐड हो रहा है, क्या और बोलेंगे आगे देखते समझो। तो थोड़ा सा मैं आगे बताना चाहता था, हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करना चाहते थे, क्या बोलेंगे क्लासिकल, क्या बोलेंगे क्लासिकल। देखो क्लासिकल अप्रोच में एक्चुअली इसका जो आइडिया कैसे है थोड़ा समझाना चाहता हूं मैं, क्योंकि दुनिया में हर एलिमेंट को तुम देख लो, हर एलिमेंट को जाके देख लो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। कोई भी एक मेटल उठा लो तुम, अर्थ क्रस्ट में एक मिट्टी का धूल धूल का एक कण भी उठा के देखो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। पता है धूल का फॉर्मूला क्या है, वो मेरे पास रेत का फॉर्मूला क्या है, SiO2। ऑक्सीजन आया कि नहीं आया, आया। थोड़ा और नीचे चले जाओ तुम्हें मिलेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या लेंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, और अंदर चले जाओ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन आया कि नहीं आया, आया। मोस्टली क्या लेंगे ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म है ना कहाँ पर, इसलिए कुछ लोगों ने आइडिया लिया कि सब अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के बेस पर डिफाइन कर देते हैं जी, हाँ कि ना, मेजोरिटी किसका बोलेंगे ऑक्सीजन का है तो डिफाइन करके छोड़ देते हैं। तो सब लोगों ने देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कहाँ पर ऑक्सीजन के बेस को डिफाइन करना स्टार्ट किया, ऑक्सीजन के बेस पर डिफाइन करना स्टार्ट किया, तो डिफाइन करने पर उसके पास ये मिला, ठीक है, कहाँ पर कि ऑक्सीजन के साथ अगर कोई कंबाइन कर रहा है, क्या कर रहा है कंबाइन, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोला गया ऑक्सीडेशन। तो क्या बोलूंगा कहाँ पर एडिशन ऑफ, क्या बोलूंगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, इसको ऑल्ड क्या बोलोगे ऑक्सीडेशन, समझ गए क्या। अगर आप लोग यहाँ पर एडिशन वर्ड यूज कर रहे हो तो रिडक्शन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे रिमूवल, क्या बोलोगे रिमूवल, ऑक्सीजन का मिलना अगर ऑक्सीडेशन है तो निकलना क्या जाएगा रिडक्शन, तो क्या बोल दो रिमूवल बोल दो क्या रिमूवल, क्या बोलूंगा रिमूवल, रिमूवल ऑफ क्या बोलेंगे ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ क्या बोलेंगे ऑक्सीजन, इसको ऑल क्या बोलेंगे रिडक्शन, क्या बोलेंगे रिडक्शन, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, तो एक आध एग्जाम्पल बोल दो सर, बहुत सारे एग्जाम्पल है गुरुजी, ये लो कार्बन लिया ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, क्या बनाएगा ये CO2, क्या बनाएगा CO2, और बताओ सर, मैं बताया था याद करो वो लड़कियां मेरे पास दीपावली में फुलझड़ी जलाती हैं ये वाला लड़ी, हाँ कि ना, वहाँ भी क्या चलता है ऑक्सीडेशन, क्या चलता है ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो कैसे भैया, वो मैग्नीशियम की लड़ी होती है उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बनाता है MgO, क्या बनाता है MgO, बैलेंस बैलेंस खुद से कर लेना, बैलेंस करने के लिए बताया था ना, तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है, ऐड, ऐड इज कॉल्ड क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलेंगे क्लासिकल अप्रोच, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे देख लो रिडक्शन का देखना है, किसका बोलेंगे रिडक्शन का, तो बहुत सिंपल बात है, ऑक्सीजन क्या करना है निकालना है, क्या करना है निकालना है, ये ले लो जिंक के ऑक्साइड को ले लो और क्या मार दो हीट अप, क्या मार दो हीट अप, जैसे हीट करो क्या निकल जाएगा जिंक निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ऑक्सीजन, बैलेंस कर लेंगे जी, इधर कितना ऑक्सीजन है एक, इधर कितना है हाफ, हाफ लगा देंगे, हो गया ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना क्या है रिडक्शन, क्या बोलेंगे रिडक्शन, कोई दिक्कत, कॉपी मारो हो गया, इसलिए किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन को डिफाइन कर लिया तो मेरे पास ये भी देखा कि बहुत लोग हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन होते हैं, तो कुछ लोगों ने हाइड्रोजन से इसको डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया, हाँ या ना, देखो तो दूसरा जो बोलेंगे ना मेरे पास क्या बोलेंगे हाइड्रोजन के बेसिस को डिफाइन करना स्टार्ट किया, दूसरा क्या लिया बोलेंगे हाइड्रोजन, क्या लिया बोलेंगे हाइड्रोजन, इसको लिखते क्या है एच, क्या लिखते हैं एच, ऐसा कुछ लिख देंगे। तो ध्यान सुनना, अगर मैं इसको हाइड्रोजन के बेस पे डिफाइन करना स्टार्ट करूं, हाइड्रोजन के बेस पे डिफाइन करना स्टार्ट करूं, तो बोलना चाहता भैया पहली बात ये जान लो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नेचर बिल्कुल उल्टा है, कैसे बोलेंगे उल्टा है, कैसे उल्टा है सर, ऑक्सीजन को लोग क्या मान के चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ है ना, ये कैसा है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज रखने की कोशिश करता है, और हाइड्रोजन मोस्टली क्या करते बोलेंगे आप उसके रेस्पेक्ट में कैसे बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक बात और सुन लो, ध्यान सुनेंगे कहानी को अच्छे समझेंगे। अभी जो मैं डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफाइन किया था अब मैं इसको डिफाइन किसे कर रहा हूँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव से, तो भैया ये दोनों उल्टे हुए तो डेफिनेशन भी उल्टा हो जाएगा ना,
अरे हाँ बोलो, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन था तो हाइड्रोजन का निकलना क्या जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा ना, बिकॉज वो दोनों उल्टे हैं ना। वेरी गुड। तो लिखो भैया, क्या लिखोगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इधर क्या बोलोगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये पूरी कहानी अच्छे से याद रखना, मैं ऑर्गेनिक में यूज करूंगा कूद कूद के, जब रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना पूरी ऑर्गेनिक में ये कहानी चलने वाली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा, मैं कहाँ बोलेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझ रहे हो ना? रिएक्शन रटने में तो प्रॉब्लम होता है ना, रटना मैं टोटल समझाऊंगा मैं एक एक चीज लाइन टू लाइन, क्लियर है? बस मेरे को उसका थोड़ा बेसिक पढ़ा देना आप कहाँ पर, मैं कम से कम यहाँ पर 10-5 दिन बेसिक पढ़ा देना आप कहाँ पर, फिर तुम लोग अपना रिएक्शन अपने आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही क्या नहीं है। एक आध एग्जाम्पल बोल दें। हाइड्रोजन का निकलना, देखो पहले H2S गैस है, कौन सा बोलेंगे? H2S गैस। अगर इसको Cl2 गैस के साथ रिएक्शन करा दूं, क्या कर दूं? Cl2 के साथ करा दूं, तो होता है क्या बोलेंगे? अब कहाँ पर ये बनाता है, कहेंगे HCl। क्या बनाता है? HCl। 2HCl बना लेगा और क्या निकल जाएगा? सल्फर। देखो एक्चुअली में हुआ क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पहले सल्फर के साथ था, कहाँ था बोलेंगे? सल्फर के साथ। अब सल्फर का साथ छोड़ दिया, तो छोड़ दिया मतलब कहेंगे यहाँ पर रिमूव हो गया ना कहाँ पर, हाँ तो बोलो। ये ब्रेकअप पे चल कहानी चल रहा है जी, पहले इनके साथ थे भाई साहब, यहाँ आ गए, ठीक है? अब कहाँ पर उनको छोड़ दिए, तो छोड़ दिए मतलब कहेंगे अब कहाँ पर रिमूवल, क्या बोलेंगे? रिमूवल। आगे देखो, एक बहुत बढ़िया फेमस एग्जांपल है, बहुत ही वेल नोन, जो तुम 9-10 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है? वो क्या बोलेंगे? अगर मैं जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराता हूँ, याद है? तो क्या होता बोलेंगे, यहाँ पर जिंक यहाँ पर आता है और क्या करता बोलेंगे, यहाँ पर ZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या कर लेता है? बाहर कर देता है। क्या करता है बोलेंगे? बाहर कर लेगा। तो बताना प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है कि रिमूव हो रहा है? क्या हो रहा है? रिमूव। क्या हो रहा है? रिमूव। पक्का? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका जस्ट उल्टा क्या करना बोलेंगे आप? एडिशन। क्या बोलेंगे? एडिशन। करके देखें, अगर ऐसा कोई प्रोसेस जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। उसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रिडक्शन। करके देखें, ये लो जी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराया, इन प्रेजेंस ऑफ नया पोंगा पंडित। व्हाट डू मीन नया पोंगा पंडित? निकिल पैलेडियम और प्लेटिनम के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन गैस फ्लो करेंगे ना, तो होता है क्या बोलेंगे, एक हाइड्रोजन यहां जाकर चिपकता है, एक हाइड्रोजन यहां जाकर चिपकता है और बनाता है क्या बोलेंगे? C सिंगल बॉन्ड C। यहां पे कैचा जाएगा, यहां पे जाएगा, बाकी सारे वैलेंसी क्या बोलेंगे? मेंटेन। जरा बताना इस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हुआ कि रिमूव हुआ? एडिशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिडक्शन प्रोसेस। नोट डाउन सर, रुक जा बताएंगे हम, जिंदा हूं अभी तो। उसी को तो बताऊंगा, रुक जाओ, क्योंकि क्लासिकल ही भी आके अपना दांत निकाल ले गए करके यहाँ पर, समझ रहे हो ना? अब मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिला कर वाटर बना दूंगा। नहीं याद, नाम नहीं करते कहाँ पर, कुछ भी करने कहाँ पर, बस जो बोला उसको याद है, ठीक है? कहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, बाकी सब पलटते चलो। पलट दूँ? हाँ, सिर्फ एक बात याद रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, ठीक है? बाकी सब पलट दूँ, समझ गए क्या? चलो अच्छी बात है। इसके अंदर बहुत सारी बातें और भी है, लेकिन उन सबको मैं डील करना नहीं चाहता हूँ तुम लोगों को, है ना? कहाँ पर देखो, इसको तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो, सुनो जरा इधर देखो, क्या तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना ऑक्सीडेशन है? अरे हाँ बोलो। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का ऐड होना, यह बोलेंगे आप कहाँ पर, उसका रिमूव होना क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन है। ये भी बोल सकते हैं आप, तो तुम अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन उनका लेंगे सिर्फ उसको ऑक्सीजन आइटम के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम के टर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका ड्रॉबैक क्या है, मैं तुम्हें समझाऊंगा कहाँ पर, ये क्यों ज़्यादा नहीं चल पाया, हमें क्यों नया हमें पास थ्योरी लगाना पड़ा, समझेंगे यहाँ पर। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? चलो अच्छी बात है। चलो देखें, एक छोटा मोटा क्वेश्चन देख लें करके देखें। चलो अच्छी बात है जी, समझो। जैसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, अगर मेरे पास क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम, इसको मैंने क्या बोलेंगे, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, आया ना? हाँ, तो फ्लोरीन के साथ क्या करा बोलेंगे? रिएक्शन कराया। तो फ्लोरीन कैसा बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये मिलकर क्या बनाएगा? MgF2। क्या बनाएगा? MgF2। तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना
क्या होना, ऐड होना। प्रोसेस क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और अगर किसी किसी इलेक्ट्रॉन के डिले में निकल जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो कभी या नहीं है। लेकिन सोचो एक आज छोटा मोटा प्रॉब्लम हमें कहाँ पर देखने को मिला, कहाँ पर तुम्हारा क्लासिकल अप्रोच में प्राण निकल गए उनके, मतलब उसमें ड्रॉबैक कहाँ से आना स्टार्ट हुआ। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले क्या बोलेंगे तुम्हारे पास क्या था, मान लो तुम्हारे पास आयरन कितना था, जीरो था। कितना था, जीरो था। ये आयरन जीरो से कहाँ चला गया, बोलेंगे आयरन प्लस टू में चला गया। चला गया ना, और क्या कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इसको बताइए प्रोसेस क्या है विथ रेस्पेक्ट टू क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच के रेस्पेक्ट में कौन सा रिएक्शन है, तो तुम बोलोगे आई डोंट नो। क्यों, क्योंकि ना तो यहाँ कोई ऑक्सीजन दिख रहा है, ना तो कोई यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, ना तो कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव दिख रहा है, ना कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव दिख रहा है। तो यहीं पर तुम्हारा क्लासिकल कहाँ पर फंस के जाएगा, क्लासिकल अप्रोच खत्म हो जाता है। तो क्लासिकल अप्रोच इन चीज़ों को डील कर पाए क्या, नहीं कर पाए। तो आगे चल के मेरे पास वो थोड़ा सा डेफिनेशन में सुधार किया गया, और क्या बोलेंगे, मॉडर्न अप्रोच बनाया। क्या बोलेंगे, मॉडर्न अप्रोच। तो थोड़ा मॉडर्न अप्रोच पढ़ लें हम, इससे मॉडर्न अप्रोच से आराम से बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना है ऑक्सीडेशन है। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन है। हाँ है ना। और मैं तुम्हें बोलना चाहता, दुनिया में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं है जो सिंगल ऑक्सीडेशन हो। अगर किसी इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो पक्का डेफिनेटली सामने वाला क्या करेगा, कोई ना कोई गेन करेगा। तुम्हारा हवा में इलेक्ट्रॉन नहीं लटकेगा, समझ गए ना। तो जब तुम सिंगल ऑक्सीडेशन डिफाइन कर रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो पार्ट ऑफ रेडॉक्स है, पार्ट ऑफ रेडॉक्स है। इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का ले लेना रिडक्शन। हाँ है ना, एक ही रिएक्शन हो जरूरी नहीं है। क्या बोला, समझ गए क्या, क्या बातें क्लियर है। तो हमें क्या चाहिए अब यहाँ पर, मॉडर्न अप्रोच। क्या चाहिए, मॉडर्न अप्रोच। लिकोडिंग डाल के, मॉडर्न अप्रोच फॉर एडॉक्स। चलो आगे देखते हैं। चलो भैया, तो अब सबसे लिखेंगे मॉडर्न अप्रोच। क्या लेंगे, मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच को डिफाइन किया गया था, मॉडर्न अप्रोच को डिफाइन किया गया था विथ रेस्पेक्ट टू, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच में स्टार्ट कर भैया, एक साइड क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन, और एक साइड क्या चल रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा होता है, एक डिफाइन कर लो, अगला डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये पूरा डेवलप में वहां बोलूंगा, कहां, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, पढ़ के जाओ। समझ गए ना, बहुत अच्छी बात। तो देखो, ऑक्सीडेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, बोलेंगे रिडक्शन। क्या चल रहा है, रिडक्शन। हम इसे डिफाइन करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या मैं इलेक्ट्रॉन को एक माइनस वन चार्ज मान लूं, चलेगा, अरे हाँ बोलो, क्या मैं इलेक्ट्रॉन को एक माइनस वन चार्ज जैसे ट्रीट कर लूं, चलेगा ना। वेरी गुड सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही कितना होता है सर, माइनस वन। कितना होता है, माइनस वन। बहुत अच्छी बात। तो सोचो आप, कहां पर इलेक्ट्रॉन के बेस में इसको डिफाइन किया गया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। लिख दूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो भैया लॉस का उल्टा क्या मिलेगा, अरे बोलो ना जोर से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकात एग्जांपल फेंको सर, एकात एग्जांपल है ना, कहाँ पर एग्जाम है, कहाँ पर समझो, बहुत सारे एग्जांपल है, आप समझो। अगर हमने लिया सोडियम, क्या लिया, सोडियम। सोडियम कहाँ गया, सोडियम प्लस वन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, निकाल लिया। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है कि कर रहा है, कर रहा है। आगे देखो, अभी लिया था एग्जांपल आयरन, जीरो से कहाँ गया, आयरन प्लस टू में गया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन। सो मेनी एग्जांपल है कि नहीं है, कॉपी भर जाएगा, हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, कॉपर कितना बोलेंगे, प्लस वन है, कितना बोलेंगे, प्लस वन। प्लस वन से कहाँ चला गया, प्लस टू। कहाँ चला गया, प्लस टू। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। हाँ या ना, ये भी कह लेंगे ऑक्सीडेशन। आगे देख लो, जिंक कितना है, बोलेंगे जीरो। जिंक जीरो से कहाँ गया, जिंक प्लस टू। कहाँ गया, जिंक प्लस टू। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, निकाल लिया। ये भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन का आ जाना रिडक्शन। पक्का, ये कहा छोटा मोटा क्वेश्चन कर लें, वेरी गुड सर। देखो समझो, एस एन प्लस फोर से दो इलेक्ट्रॉन गेन की ओर बना लिया, एस एन प्लस टू रिडक्शन है क्या। कॉपर प्लस टू ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन की ओर बना दिया कॉपर, कॉपर प्लस वन। ये भी कह लेंगे, कैसे बोलेंगे, रिडक्शन। कॉपर प्लस टू ने दो इलेक्ट्रॉन गेन की ओर बना दिया कॉपर, जीरो। ये भी कैसे बोलेंगे, रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन है। जैसे बोलेंगे फ्लोरिन, फ्लोरिन एफ टू जीरो ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना दिया टू एफ नेगेटिव वन। ये भी कैसे बोलेंगे, रिडक्शन। हाँ या ना,
O2 पहले जीरो था, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और बना दिया, कहेंगे O2 नेगेटिव आयन, ये भी कैसे बोलेंगे रिडक्शन, कोई दिक्कत? कॉपी मारो। हाँ तो आया है ना मैडम, ये F नेगेटिव आयन प्लस F नेगेटिव आयन आ गया, तो इसी को हमने कंबाइनली क्या लिख दिया, 2F नेगेटिव आयन, चलेगा? yes, इसमें का कंफ्यूजन है? चलो आगे देखते हैं, यहाँ किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। हमने किससे डिफाइन किया इसको, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन से, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन से, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है जी, कभी कभी इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, कंजर्ट कर देता है, कैसा कर देता है कंजर्ट, चुपचाप ऐसा लिख देगा तुम्हारे लिए, एस जीरो से एस प्लस सिक्स गया, बोलो का है, तो बच्चा कन्फ्यूज खोजेगा कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ है बे, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई चक्कर दिख ही नहीं रहा है, तब का करेंगे, भजन करेंगे क्या? नहीं करना है। का करना है सुनो, तो उसमें बोलेंगे यहाँ पर सर इलेक्ट्रॉन तो लगाने को लगा सकते मात्र, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रॉन लगा करके नहीं देता है, तो हमें थोड़ा सा इसमें और सुधार करना पड़ेगा, हम उसको चार से डिफाइन करेंगे, किसे बोलेंगे चार से, और उसी को हम लोग आगे चल के बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दूसरा डेफिनेशन कहाँ से ले रहा हूँ भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट से, कुछ लोग ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर को अलग अलग मानते हैं, मैं भी अलग अलग मानता हूँ, ठीक है कहाँ पर, लेकिन अभी मैं नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, मैं डीप जब पढ़ाऊंगा तो घुस घुस के पढ़ा दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों क्या चीज़ है, अब एकदम ध्यान सुनना हमारी बात को, ठीक है एकदम ध्यान सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर, तो एकदम सिंपल होता है, पहले बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या चीज़ है, ये क्या है, एकदम सिंपल भाषा में चाहिए हम लोगों को, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है एकदम सिंपल भाषा में समझाओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या चीज़ है, एकदम थोड़ा सही बोल रहे, लेकिन तुम्हारे आवाज़ में धीरे बोले यहाँ पर, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी था, ठीक है बोले सही है भाई साहब, ठीक है देखो सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, चार्जेस और नॉन चार्जेस, चार्जेस और नॉन चार्जेस, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पढ़ चुके हैं ना, कैटायन और एनायन, पढ़ाया हूँ ना, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन, एक होता है नॉन आयन, क्या बोलेंगे नॉन आयन, एक आयन है एक आयन नहीं है, आयन कितने होते हैं दो टाइप के, प्लस वाले और माइनस वाले, कहानी पढ़ चुका हूँ डिटेल में, सुनो आप ध्यान से, तो कोई भी आपने कोई भी स्पीसी सेलेक्ट कर लो, दुनिया का कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लो, उसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा क्या आएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ क्या आएगा चार्ज, जो चार्ज का अमाउंट दिखेगा ना उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं कर रहा हूं जी, बस आपको समझाने के लिए बात करना चाहता हूं, जैसे बोलेंगे अभी आयरन के ऊपर कितना दिख रहा था, बोलेंगे जीरो, क्या दिख रहा था जीरो, तो चार्ज कितना बोलेंगे जीरो, इसका चार्ज कितना बोलेंगे जीरो, ध्यान देना चार्ज कितना बोलेंगे जीरो, तो जो चार्ज उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन गिवन स्पीसीज, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन गिवन स्पीसीज, इस कॉल क्या बोलोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई दिक्कत है, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन गिवन स्पीसीज कॉल ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी तो नॉर्मली बोलेंगे, क्या बोलेंगे नॉर्मली, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, आगे देखो समझो चलो मैं यहाँ पे नहीं जाता, तो कहाँ भैया ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब था क्या बोलेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन गिवन स्पीसीज, कर दिया, देखो अगर मैं लिखना चाहता हूँ आयरन जीरो, क्या बोलेंगे आयरन जीरो, तो जरा इसको बताना ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आगे बोलेंगे जीरो, कितना आगे बोलेंगे जीरो, अगर लिखना चाहता हूँ आयरन कितना बोलेंगे प्लस टू, कितना बोलेंगे प्लस टू, तब कितना आ रहा है कितना आएगा प्लस टू आएगा ना, अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए ना, अगर लिखा तो एस एन प्लस फोर, तब कितना बोलेंगे अब कहाँ पर प्लस फोर है, अगर लिखूंगा एफ नेगेटिव आयन तो इसका वैल्यू माइनस वन है, है ना, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस जीरो में हो सकता है, अगर प्लस में तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया और माइनस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, हाँ या ना, तो बोलेंगे सर ऐसे टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात होगी, देखो आप समझो अभी कुछ देर पहले कहते सोडियम कितना था जीरो था ना, जीरो से कहाँ चला गया था प्लस वन में गया था, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था निकाल दिया था, तो इतने को बस देखो क्या हो रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है पहले कितना था जीरो, अब कितना हो गया प्लस वन, कितना हो गया प्लस वन, मतलब क्या सीखे, अगर किसी प्रोसेस में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन स्टेट का घटना रिडक्शन, क्या है रिडक्शन, भेजे में गया क्या, छापो इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन,
इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. कॉल्ड ऑक्सीडेशन. कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छी बात. तो इधर थोड़ा देख लो भैया, आप लोगों ने भी कुछ देर पहले ये भी लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था? एस एन प्लस फोर लिखा था. जो कहाँ गया था? एस एन प्लस टू में गया था ना. तो प्लस फोर से कहाँ गया? बोलेंगे प्लस टू में जाना. कम हो रहा है तो कम हो रहा है, क्या बोलेंगे? रिडक्शन. क्या बोलोगे? रिडक्शन. तो उसका लिख लो उल्टा जी भैया, डिक्रीमेंट आप कर दो, या घटना बोल सकते हो, या कम होना बोल सकते हो. समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सी बात है. ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का घटना रिडक्शन है. क्या बोलेंगे? रिडक्शन है. क्या तुम पहचान लोगे? कोई दिक्कत है? चलो भैया एक आध बताना, एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं मैं. चलो अगर सल्फर कितना बोलेंगे? प्लस फोर में. कहाँ बोलेंगे? प्लस फोर. प्लस फोर से कहाँ चला गया? प्लस टू में चला गया. प्लस फोर से कहाँ, सॉरी, प्लस फोर से कहाँ चला गया? प्लस सिक्स में चला गया. प्रोसेस क्या होगा? बढ़ रहा है ना. बढ़ना 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 ऑक्सीडेशन है. बढ़ना कैसा है? ऑक्सीडेशन है. और घटना क्या बोलेंगे? रिडक्शन. पक्का ना? जैसे बोलेंगे आप कहाँ पर सुनना, क्लोरीन प्लस सेवन में था, प्लस सेवन से कहाँ चला गया? प्लस फाइव में. कहाँ चला गया? प्लस फाइव में. बोलो कैसा है? रिडक्शन. पक्का ना? अब इसके लिए मैं शॉर्टकट तरीका दे रहा हूँ कहाँ पर, क्योंकि बच्चे लोग कहते हैं यहाँ पर ना दो चीज़ों में कन्फ्यूज होते हैं. ओ हमारे नहीं, हमारे दिमाग के साथ कुछ प्रॉब्लम, ठीक है, कहाँ पर कभी आप दो चीज़ों को जल्दी से रीड नहीं कर पाते हैं. तो इसके लिए एक शॉर्टकट निकाल रहा हूँ. क्या बोलेंगे? शॉर्टकट. बढ़ना क्या है? बढ़ना क्या है? नंबर का बढ़ना क्या है? ऑक्सीडेशन. और नंबर का घटना क्या है? रिडक्शन. है ना? तो इसको मैं नंबर लाइन से थोड़ा तुम लोगों को याद रखने का तरीका बता देता हूँ. बता दूँ? चलो भैया देखो इसको मिटा दूँ मैं अब. हो गया? देखो अभी तक जो बताया मॉडर्न एंड क्लासिकल अप्रोच में किसी को प्रॉब्लम है भैया? क्लासिकल अप्रोच ये बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है. हाँ है ना? ऑक्सीजन का निकलना क्या था? रिडक्शन है. हाइड्रोजन का निकल जाना क्या है? ऑक्सीडेशन है. और हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या बोलेंगे? पक्का? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे समझ गए. आप देखो आगे देखना चाहते हैं, समझो. अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है. इसको तुम मान लो नंबर लाइन के जीरो है. कितना बोलेंगे? जीरो. मैं इसी से आगे चल के एन फैक्टर भी कैलकुलेट करना सिखा दूंगा. ये जीरो होता है ना, आप लोग राइट हैंड साइड भी कहते हो भैया प्लस वन ये कितना होता है, प्लस टू ये कितना होता है, प्लस थ्री ये कितना होता है, प्लस फोर ये कितना होता है, प्लस सेवन कितना होता है, प्लस सिक्स. है ना? इससे आगे और जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्लस इनफिनाइट मिलेगा. इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, कहाँ पर कितना जाएगा? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन होगा. इसे लोग क्या बोलेंगे? अब कहाँ पर क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा? चलेगा, चलेगा. ये नंबर लाइन होता है ना. अब सोचो अगर तुम लोग कहीं पर कहाँ पर बोलेंगे, अब कहाँ पर प्लस माइनस सेवन में, कहाँ बोलेंगे? यहाँ पर माइनस सेवन. अगर माइनस सेवन से कहाँ गए? बोलेंगे माइनस फाइव की तरफ गए. तो नंबर बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना. तो पता है ऐसी चीज़ों में बच्चे थोड़ा सा क्या हो रहा है डर जाते हैं. तो घबराना नहीं है, तुम नंबर लाइन के साथ देख लो. अगर तुम इस नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट चलते हो बच्चा, कहाँ चलते हो? लेफ्ट टू राइट. कहाँ चलते हो? लेफ्ट टू राइट. तो तुम्हारा नंबर बढ़ रहा है ना. और नंबर के बढ़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. लेकिन अगर तुम राइट से अगर लेफ्ट चलते हो, राइट से कहाँ चलते हो? लेफ्ट. अगर तुम राइट से लेफ्ट चलते हो तो पास क्या बोलेंगे? नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना. इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन. क्या बोलेंगे? रिडक्शन. अब देख लो जी, राइट गए कि लेफ्ट गए? राइट जा रहे हो ना. तो वहाँ कहेंगे माइनस सेवन से कहाँ गए? वहाँ बोलेंगे प्लस फाइव. क्या बोलेंगे? प्लस, सॉरी, माइनस सेवन से कह लेंगे यहाँ पर माइनस फाइव. प्रोसेस क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन. पक्का? माइनस सिक्स से माइनस फोर, ऑक्सीडेशन. माइनस फोर से माइनस टू, ऑक्सीडेशन. माइनस टू से माइनस वन, ऑक्सीडेशन. माइनस टू से प्लस फाइव, ऑक्सीडेशन. पक्का? अच्छी बात है. लेकिन सोचो अगर मैं कह लेंगे यहाँ पर प्लस फाइव से कहाँ पहुँच गया? जीरो. क्या बोलोगे? रिडक्शन. अगर माइनस टू से कहाँ बोलेंगे यहाँ पर? माइनस फोर. क्या बोलोगे? रिडक्शन. पक्का ना? माइनस टू से कहाँ पहुँच गया? माइनस वन. तभी क्या बोलेंगे? रिडक्शन. कोई दिक्कत है क्या? नहीं है. तो ये नंबर लाइन थोड़ा सा याद रख ले ना. बढ़ना ऑक्सीडेशन है और घटना रिडक्शन है. नोट डाउन. चलो अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो मैं तुम्हें थोड़ा सा है ना कुछ बातें और बताऊँगा भैया अब यहाँ पर. ठीक है, बच्चे अच्छे थे. चलो मिटा दो इसको. देखो अब चलो क्या दिख रहा है, समझो. कुछ आपके पास देखना रेडॉक्स में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिससे लोग बहुत घबराते हैं, ठीक है, कहाँ पर. और सब एक जैसे लगते हैं, ऐसे लगता है कि सब एक ही जैसे हैं. सब कैसे बोलेंगे? एक जैसे हैं. जैसे बोलेंगे एक वर्ड, एक टर्म सुनना है ना, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूँ.
एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन, समझ गए सर? रिडक्शन, समझ गए सर? चलो दो बात समझ गए, लेकिन एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसको बताया क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेंट। फंस गए सर? देखो उसी की जैसे वहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक वर्ड होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म। क्या होता है? ऑक्सीडाइज फॉर्म। एक होता है ऑक्सीडाइज टू अदर। मैंने चार बातें बोल दिया, क्या क्या बोल दिया? देखो सबसे पहले क्या बोला? ऑक्सीडेशन। क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला। तीसरा बात क्या बोल दिया? बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और चौथा क्या बोल दिया? ऑक्सीडाइज टू अदर। ये चारों वर्ड नहीं लग रहा कि एक जैसे है? रामू रामे रामू रामा आता था वहाँ पर संस्कृत, कहाँ पर? और राम के अलग अलग फॉर्म हैं, है ना? कहाँ पर? रामू रामू चाचे रामू चोचो रामा चाची, है ना? कहाँ पर? नहीं लगभग कहाँ पर? एक जैसे चीज़ें कहाँ पर? सबका मतलब अलग अलग है, सबका मतलब कैसे बोलेंगे? अलग अलग है, है ना? कहाँ पर? मेरे कहने के मतलब बोलना चाहता हूँ कि चारों टर्म को समझें। अगर सोचो ऑक्सीडेशन में चार टर्म आ रहे हैं, रिडक्शन में कितने टर्म आएंगे? चार टर्म आएंगे, आएंगे आएंगे आएंगे। क्या आएगा? रिडक्शन। क्या आएगा? रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस फॉर्म एंड रिड्यूस टू अदर। तब क्या करोगे? भजन करोगे? एक क्वेश्चन लिखेगा छोटा सा, बोलेगा बताइए ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन सा है इसमें? पहले तो क्वेश्चन देखा शौक कि भैया करना कहाँ है बे, है ना? कहाँ पर? पहले करेंगे क्या इसको यहाँ पर, फिर आगे वाली कहानी होगी, समझे ना? तो ही मैं तुझको कहूँगा करना क्या है, ये तुम्हें सिखाना है, समझ गए क्या? तो कॉपी को फिर दो पार्ट में बांट लो। सुनो सुनो, टॉपिक में पास है सम बेसिक टर्म्स फॉर रेडॉक्स। वो आठ ही टर्म याद रखना। कितने टर्म बोलेंगे? आठ। चार इधर चार इधर, हाँ कि ना? सम बेसिक टर्म्स फॉर रेडॉक्स। ये सब बातें मार्केट में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है? बेसिक से बस लिख दो, पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ने से मतलब नहीं। यहाँ पर हम चाहते हैं हर कोई करे। सम बेसिक टर्म्स फॉर, सम बेसिक टर्म्स फॉर रेडॉक्स, ठीक है? चलो तो एक साइड तुम चलोगे ऑक्सीडेशन से चलोगे, एक साइड कहाँ चलोगे? रिडक्शन से चलोगे। कोई दिक्कत है क्या? और देखना जो जिन तुम लोगों को प्रॉब्लम आया था ना, उस क्वेश्चन तुम चुटकी में सॉल्व करोगे, देखना 20 सेकंड भी टाइम लगेगा। दैट्स आंसर, ठीक है? करें क्या? स्टार्ट करें? चलो भैया तो ध्यान देंगे फिर। एक साइड कॉपी में लिखेंगे ऑक्सीडेशन, एक साइड लिखेंगे रिडक्शन। तो पहले उस वाले कहानी को पहले फिर से आप रिपीट कर देते हैं। क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा होता है? yes, तो ऑक्सीडेशन साइड को पढ़ लेंगे, रिडक्शन साइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। पलट देंगे, क्या करेंगे? पलट देंगे, ठीक है? पहलवान ठीक ठाक? चल देखो आप समझो। तो एक साइड क्या चल रहा है भैया? बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। क्या चल रहा है? एक साइड क्या चल रहा है? बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और एक साइड में क्या चलेगा? बोलेंगे आप कहाँ पर? रिडक्शन। बहुत अच्छी बात, ध्यान सुनेंगे सब लोग। कॉपी पेन बंद कर दें और थोड़ा सा मेरी तरफ अच्छे से ध्यान सुनेंगे यहाँ पर। चलो सबसे पहला मैं प्रोसेस बोलूंगा, इस कंपार्टमेंट में बोलना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन क्या है। अगेन फिर से बताना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन क्या है। बोलो भैया क्या होता था? विथ रेस्पेक्ट टू मॉडर्न अप्रोच या विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन? बोलो क्या बोलोगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पक्का? चलो ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पक्का? क्या मैं एक प्रोसेस बोल दूं इसको चलेगा? अरे बोल दूंगा ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना एक प्रोसेस ही तो है, इलेक्ट्रॉन का निकलना एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम क्या बोला गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? शादी हो रहा है। क्या हो रहा है? शादी हो रहा है। किसका? चिंटू का। किसका बोलेंगे? चिंटू का, है ना? बोलते हैं ना कहीं पर शादी वादी का मंडप सजा है, तो शादी हो रहा है तो सबका होता है क्या? नहीं, किसी एक का होता है। जिसका गला कटने वाला है दूल्हा, और जो गला काटने वाली हो दुल्हन, बस वही कहानियां बनने वाला है। तो एक प्रोसेस का, शादी होना भी प्रोसेस है जी। शादी इज अ प्रोसेस, शादी इज अ प्रोसेस, गला कटने काटने का प्रोसेस बोल सकता हूँ मैं। ये किसका प्रोसेस? यहाँ पर ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो प्रोसेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ प्रोसेस, है कि नहीं है? है, प्रोसेस हो गया। अब सोचो प्रोसेस कोई ना कोई तो करता है ना, तो शादी का प्रोसेस कौन कर रहा था? दूल्हा कर रहा था, हाँ कि ना? तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने कोई ना कोई प्रोसेस करेंगे, करेगा करेगा, ध्यान रख। सो सुंदर सा एग्जाम्पल लेना चाहता, एकदम अच्छा सा। देखो तो मान लो तुम्हारे पास पोटेशियम है, क्या बोलेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम कितना बोलेंगे? जीरो। कितना बोलेंगे? जीरो, है ना? ये बेचारा अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और क्यों निकालता है, कैसे निकालता है, आगे चल के स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर जाता है ना, सोचो क्या चल रहा है? अरे ऐसे मत बोलो, कहाँ चल रहा है?
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चल रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ चल रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पोटेशियम जीरो कर रहा है कि पोटेशियम प्लस वन कर रहा है? बोलना बहुत जरूरी है, पोटेशियम जीरो। भैया जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, गला किसका कट रहा है? किट्टू का। किसका बोलेंगे? किट्टू का, है ना। शादी कौन कर रहा है? किट्टू। कौन कर रहा है? किट्टू, है ना। जो शादी जिसके वजह से हो रहा है, जो हेड है उसका, उसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? दूल्हा। क्या बोलेंगे? दूल्हा। डिफाइन कर लिया। वैसे इसको एक टर्म बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसको एक नाम दिया गया है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। जब बताना है इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है? पोटेशियम जीरो। क्या लगे? पोटेशियम जीरो। तो जो लॉस करता है उसे बोला गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग क्या बोलेंगे? एजेंट। इसी को एक वर्ड और बोला गया बच्चे लोग, रिडक्टेंट। क्या बोला गया? बोलेंगे रिडक्टेंट। क्या बोला गया है? रिडक्टेंट। कोई दिक्कत है? लेकिन इसको मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा? बोलेंगे RA। क्या लिखूंगा? बोलेंगे RA। समझ रहे हो ना? तो RA का मतलब क्या, थोड़ा बताना मेरे को। रिड्यूसिंग एजेंट मेरा मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन क्या करता हो? लॉस करता हो। विच लॉस इलेक्ट्रॉन, लिखो। स्पीसीज विच लॉस इलेक्ट्रॉन। स्पीसीज विच लॉस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो कौन लॉस कर रहा है जी? पोटेशियम जीरो। कौन कर रहा है? पोटेशियम जीरो। और जब पोटेशियम जीरो ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या किया? लॉस किया। तो ये एक नए फॉर्म में जा रहा है। एक नए फॉर्म में गया कि नहीं गया? गया। हाथ बोलो। जैसे बबलू पहले क्या था? बैचलर था। क्या था? बैचलर था। शादी होने के बाद एक नए फॉर्म में गया कि नहीं गया? गया। क्या बोलेंगे? शादी शुदा, या क्या बोलेंगे? डबल। चल देखो, समझो। तो जब ये लॉस किया था, एक नए फॉर्म में गया, उस नए फॉर्म को हम लोग बोलते हैं, बच्चे लोग ध्यान देना, उस नए फॉर्म को बोला गया है, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्या बोला गया? बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। बोल दूं, चलेगा? इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो बोलो अगला टर्म क्या बोलेंगे? आप क्या डिफाइन करना पड़ेगा अपने लोगों को? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। लिखूंगा शॉर्ट में OF। क्या लिखूंगा? OF। पता है OF क्या होता है? ये फॉर्म कब बन रहा है? देखो, जब तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तो लॉस करने के बाद एक नए फॉर्म में गया। हाँ, तो बोलो। और जो नया फॉर्म बनाया, जो नया रूप बनाया, उसी नए रूप को क्या बोल रहे हैं? कहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अपर रूप। क्या बोल रहे हैं उसको? क्या बोल रहे हैं? कहाँ पर? इट्स कॉल ऑक्सीडाइज फॉर्म। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज फॉर्म। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक नए फॉर्म में गया ना, तो उस नए फॉर्म को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज फॉर्म। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज फॉर्म। लिखेंगे भैया, When reducing agent lost electron, when reducing agent lost electron, then generate a new form. This is called, क्या बोलेंगे? Oxidized form. This is called oxidized form. This is called oxidized form. हो गया? बताओ इसमें oxidized form कौन सा होगा? पोटेशियम जीरो। पोटेशियम क्या बोलेंगे? जीरो। होगा ना? चलो, अच्छी बात है। हाँ सर, ऑक्सीडाइज क्या जाएगा? पोटेशियम क्या लेंगे? पोटेशियम प्लस वन। क्या लेंगे? पोटेशियम प्लस वन। ठीक है, इधर देखो, एक बात मेरे को बताओ तुम लोग। पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पोटेशियम पॉजिटिव बनाया, बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया। तो भैया वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, और मैं पहले बोल चुका हूँ, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? माइनस वन। क्या बोलेंगे? माइनस वन। अगर किसी में माइनस वन ऐड होगा, अगर किसी में माइनस वन ऐड होगा, तो सामने वाले के नंबर कम होंगे, ज़्यादा होंगे? कम हो जाएंगे। अरे माइनस वन कर रहे हैं ना, तो सामने वाले का नंबर क्या जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, ये क्या काम करेगा? किसी सामने वाले को क्या करने काम करेगा? क्या करेगा? कहाँ पर? रिड्यूस टू अदर। ये रिड्यूस करने में काम आएगा ना। ये कोई, इसका मतलब कितना होता? बोलेंगे माइनस वन। क्या बोलेंगे? माइनस वन। अगर ये कहीं भी जाता है, कि कोई इसको लेके जाता है, तो कहेंगे अपने आप में माइनस वन ऐड करेगा ना, तो इसका मेन काम क्या बोलेंगे? यहाँ पर रिड्यूस टू अदर। क्या करेगा ये? रिड्यूस टू अदर। हाँ या ना? करेगा ना। सामने वाले क्या करेगा? रिड्यूस करने का काम करेगा। तो चौथा पॉइंट क्या बोलूँगा भैया यहाँ पर? रिड्यूस टू, क्या बोलोगे? रिड्यूस टू अदर। और रिड्यूस टू अदर करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस? कितना बोलेंगे? वन इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? वन इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? वो चार पॉइंट मैंने लिख दिया एकदम करेक्ट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन में चार बातें आ गई। कौन कौन सी बातें आ रही हैं? यहाँ देखो, चार बातें आई हैं। वो चार बातें क्या कहते हो? ध्यान से लो, कहाँ पर लिखूँ? लिख दूँ?
सुनना है देखो, कहाँ पर वो चार बातें क्या एकदम ध्यान सुनेंगे जी। पहला बताना, पहला पॉइंट क्या है, पहला क्या है, ऑक्सीजन आया, चलो उसके लिए एक एक लेटर मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ओ ले लिया, क्या ले लिया, ओ, क्या ले लिया, ओ, यहाँ से क्या ले लिया, आर, यहाँ से क्या ले लिया, ओ, यहाँ से क्या ले लिया, आर, क्या बनेगा देखो, तो यहाँ पर बढ़िया छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, एक ट्रिक बनेगा, देखना क्या बनेगा ऑक्सीजन के लिए, क्या बनेगा बोलेंगे यहाँ पर ओ आर, ओ आर, क्या बना ओ आर, ओ आर आ गया। वो तुम्हारा आठ में से चार चले गया, कौन सा फॉर्म बोलेंगे ओ आर, ओ आर, क्या बोलेंगे ओ आर, ओ आर। इस ओ का मतलब क्या सीखा, ओ का मतलब क्या लेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। आर का मतलब क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ओ का मतलब क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइज फॉर्म, और आर का मतलब क्या लेंगे रिड्यूस टू अदर, क्या बोलेंगे रिड्यूस टू अदर, आया ना, क्या बोलोगे रिड्यूस टू अदर। क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन रिड्यूसिंग एजेंट, हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन रिड्यूसिंग एजेंट, गेट ऑक्सीडाइज, गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, हो रहा है, उसको ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडाइज फॉर्म बोलते हैं, गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस टू अदर, फॉर्मूला याद रहेगा। ऑक्सीजन बोलते हैं क्या बोलोगे ओ आर, ओ आर, क्या बोलोगे ओ आर, ओ आर। ऑक्सीजन बोलते हैं चार बातें एक साथ होंगी होंगी, इसमें कोई एक्सेप्शन एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है। एक बार बोलेंगे ऑक्सीजन के लिए ओ आर, ओ आर, क्या बोलेंगे ओ आर, ओ आर। अगर सोचो तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन के लिए ओ आर, ओ आर चिल्लाया, तो रिडक्शन के लिए क्या चिल्लाओगे, अरे बोलो ना, हम कसम खाए हैं गुरु जी की ऑक्सीडेशन रिएक्शन के उल्टा होते जी, हाँ तो बोलो, तो इसका जब उल्टा है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर ओ आर ओ, आर मतलब रिडक्शन, आर मतलब रिडक्शन, आर मतलब ओ मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर मतलब रिड्यूस फॉर्म, क्या बोलोगे रिड्यूस फॉर्म, और ये आर मतलब ऑक्सीडाइज टू अदर, ऑक्सीडाइज टू अदर। सर एक आध एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दे के बताओ ना सर, एक आध एग्जाम्पल अम्पल दो सर, दे दें। देखो भैया, भैया का समझ यहाँ पर पहला आप टर्म क्या बोलेंगे रिडक्शन आएगा ना, रिडक्शन जिसका जस्ट उल्टा होता है क्या, यस सर। मैं फिर से बोलता हूँ ऑक्सीजन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पलट दो, क्या कर दो, पलट दो, वहाँ क्या बोले थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या बोलोगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलोगे ना। एक आज प्रोसेस का एग्जाम्पल है भैया, लो सी एल, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है, ये बना दिया सी एल नेगेटिव आयन, बनाया ना, पहले कितना था जीरो, इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है, जो गेन करता है उसे क्या बोलेंगे, जो गेन करेगा उसे क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलोगे ना, एक नए फॉर्म में गया कि नहीं गया, गया, इसे क्या बोलेंगे रिड्यूस फॉर्म, क्या बोलोगे रिड्यूस फॉर्म, हाँ या ना। और जब ये कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो गेन किया होगा ना, तो सामने लगे इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो सामने क्या लेंगे ऑक्सीडाइज किया होगा, तो क्या लेंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइज टू अदर, यहाँ क्या चल रहा था रिड्यूस टू अदर, यहाँ क्या चलेगा ऑक्सीडाइज टू अदर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, तो भैया दो बातें याद अच्छे से रखना, कहाँ पर जब भी मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँगा ओ आर, ओ आर ओ, आर ओ आर ओ को याद रखेंगे। आइए मेरा फॉर्मूला है अनिल सर, क्या बोलेंगे अनिल सर फॉर्मूला, अगर तुम्हें मार्केट में कहीं मिलता है तो समझ जाना कि मैंने दिया था, कब बनाया था बताया यहाँ पर 2012 2013 में। अगर तुम लोग का यहाँ पे हो गया तो फिर आगे बात करते हैं, चलो क्या छोटा मोटा क्वेश्चन कर लें, चल दो कब कहाँ पर, फिर से मैं कहानी बोल रहा हूँ भैया, ओ आर ओ आर का बोलेंगे आर ओ आर ओ, मैं पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चीज़ को चलाऊंगा इस फॉर्मूले को, ठीक है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, लिखो क्वेश्चन लिखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं तुमसे क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है। चलो फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट प्रोसेस, फाइंड आउट प्रोसेस, लिखना फाइंड आउट प्रोसेस ऑक्सीडेशन कॉमा रिडक्शन कॉमा रेडॉक्स, मतलब बताना है प्रोसेस कौन सा है, फाइंड आउट प्रोसेस ऑक्सीडेशन कॉमा रिडक्शन कॉमा, क्या बोलोगे एडॉक्स, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है कि एडॉक्स है, लिखना आगे। एंड ऑल्सो फाइंड आउट, एंड ऑल्सो फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस फॉर्म एक्सेट्रा, क्लियर है, आप ही बताना उसके साथ साथ कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइज फॉर्म है और कॉलिडस फॉर्म है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, कभी कभी इस क्वेश्चन को डाटा देकर पूछ लेता है और कभी कभी ऐसे नॉर्मल पूछ लेता है, तो डाटा वाला काम कहाँ आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कहाँ आएगा बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना, समझो। हम लोग फिर से बोलना चाहता हूँ चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन से पहले चलेंगे, फिर हम लोग एडवांस उतरेंगे ना कहाँ पर, समझो। पहले सबसे पहले देखना चिल्लर क्वेश्चन, एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन देखो मेरे पास ऐसा कुछ है, ध्यान देना। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ मान लो मैग्नीशियम है, कितना बोलेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना था बोलेंगे जीरो था, जीरो से कहाँ चला गया प्लस टू में चला गया, आराम से करेंगे बढ़ाना मत अतुल, ठीक है, देख रहा है ना,
मैक्सिमम जीरो से कहाँ का लो मैक्सिमम प्लस टू में। तो राइटिंग थोड़ा सुधार अच्छे से, थोड़ा धीरे कर, तेरा एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। देखो समझो, मैक्सिमम जीरो से कहाँ गया प्लस टू में, तो पहले लिख लो यहाँ पर, अगर तुम्हें कुछ नहीं देता है मतलब उसका चार्ज क्या मान के चलना, जीरो। मत सोचना कि सर का लूंगा, सर नहीं दिया तो जीरो है, क्या बोलेंगे जीरो। तो इसका स्टेट कितना बोलेंगे जीरो। जीरो से कहाँ चला गया प्लस टू गया ना, बड़ा की कम हुआ, बड़ा की कम हुआ बड़ा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, फिर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। ऑक्सीडेशन के लिए कुछ फॉर्मूला बोला था याद है, ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर है ना। ऑक्सीडेशन के लिए क्या बोला था, ओ आर ओ आर, पक्का। ओ इज द प्रोसेस जो मैं लिख चुका हूँ ना। आर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ओ इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड आर इज द रिड्यूस टू अदर। तो क्या ये तुम्हारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज फॉर्म। क्या तुम्हारा निकल गया आंसर एक चुटकी में, यस सर। मजा आ गया, yes, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कब लेंगे यहाँ पर आर ओ आर, ऑक्सीजन के लिए ओ आर वाला, क्या लगा लेंगे ओ आर आर। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, अरे प्रोसेस क्या चल रहा है, ऑक्सीडेशन। प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, पहले प्रोसेस पहचानो फिर उसको गाना गा दो। ऑक्सीजन के लिए ओ आर ओ आर, रिडक्शन के लिए आर ओ आर ओ। एक आता और देखें छोटा मोटा, अच्छी बात सर। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, अभी आयोडीन महाराज थे हमारे पास, आयोडीन गया कहेंगे टू आई नेगेटिव आयन में, है ना। वो कितने एटम दिया है, क्या एटम दिया है, बाद बात करेंगे। इसने देख लो, पहले क्या थे ये जीरो, अब कितना हो गया माइनस वन, माइनस वन है ना। इस सामने वाले को छोड़ो, आप कितना बोलेंगे माइनस वन, बताना नंबर कम और ज्यादा हो रहा है, 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 कम। कम होने क्या बोलते हैं, आवाज नहीं आया, पक्का। रिडक्शन के लिए क्या गाना गाए थे, आरो आरो, क्या बोलेंगे आरो आरो। ये लो आर मिटा दिया, तो क्या आर द प्रोसेस, ओ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर इज रिड्यूस फॉर्म। मजा आ गया, अब कैसे क्वेश्चन लगा लोगे। अगर तुम्हारा तरीका मेरे से बेहतर है तो मुझे सिखा दो, और अगर मेरा तरीका तुम लोगों से बेहतर है तो मेरे से सीख लो, ठीक है। ये चलेगा हमारे क्लास में, समझ रहे हो ना। तो अब निकालोगे, कोई दिक्कत है नहीं है। एक क्वेश्चन और कर दूँ, एक और करके बताओ सर। सुनो 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 गांव वालों, प्रोसेस क्या था, ये प्रोसेस क्या था, क्या था रिडक्शन, क्या था रिडक्शन। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल में लिखने जा रहा हूँ, जैसे लिखना चाहता हूँ, कॉपर प्लस टू प्लस एफ ई जीरो गोस टू एफ ई प्लस टू प्लस कॉपर जीरो। रुको 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 जरा रुको, ठीक है, कहाँ पर आराम से करेंगे। हमें सेम से सेम में मूव करना है, लाइट आ रहा है, सेम से सेम में मूव करना है, सेम से सेम। प्लस टू से कहाँ जा रहा है जीरो, प्लस टू से कहाँ जा रहा है जीरो, प्लस टू से जीरो में जाना, प्लस टू से जीरो में जाना, प्रोसेस रिडक्शन, क्या बोलेंगे रिडक्शन। और एफ ई जीरो से कहाँ जाना, प्लस टू में जाना, प्रोसेस क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, हाँ है ना। इसके लिए गाना कुछ गाया था याद है, आर ओ आर ओ, क्या बोलोगे आर ओ आर ओ। इसके लिए ओ आर, पक्का। प्रोसेस तुम्हें लिख डाला, अगर ये आर ओ आर तो चला गया ना, आर इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ओ इज द ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये बोलेंगे क्या लेंगे आर ओ आर ओ, ओ इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज द रिड्यूस फॉर्म। देखो तुम्हें सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गए क्या जी, एक लाइन में, कितने बोलेंगे एक लाइन में, कोई दिक्कत है, नोट डाउन। हाँ, प्लस जिंक जीरो टू फॉर्म SN प्लस टू देन जिंक प्लस टू, बताना इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। सब कुछ निकाल दो, तो पूरी जन्म कुंडली बना लो उसका, एट क्या बात है सीखा, तू छक्के पे छक्का मार रही है आज। तो लड़की सही बोल रही है, एस एन प्लस फोर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है, सही जवाब है, सही है, सही है, एकदम सही भैया। प्रोसेस एडॉक्स होगा, प्रोसेस इसका बोलेंगे एडॉक्स। आराम से बनाओ, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाँ है ना। इसके लिए कौन से गाना गाए थे, ओ आर ओ आर ओ इज अ प्रोसेस, आर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ओ इज अ ऑक्सीडाइज फॉर्म, बाइंड अप कर लो, ठीक है। yes, चलो अच्छी बात है, यहाँ तक आप लोगों का हो गया तो अच्छी बात है भाई। एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन और लगा दूँ क्या, चलो इसका बता दो जी तुम लोग, लो लिखना, बी आर टू गोस टू टू बी आर नेगेटिव आयन।
अरे क्या चल रहा था? हाँ प्रोसेस तो वही दुनियादारी से बताना है, बोलो क्या है? रिडक्शन। पक्का? आरो आरो कर लोगे? अच्छी बात है। आगे देखो कहाँ पर सी एल नेगेटिव आइन टू फॉर्म सी एल टू जीरो क्या है? पक्का? कर लोगे ना? चलो एफ टू जीरो एफ टू प्लस टू सी एल नेगेटिव आयन देन गोज टू फॉर्म सी एल टू जीरो एंड एफ टू टू नेगेटिव आयन। तुम आजकल एकदम उड़ा रहा है भैया। तुम तो गर्दा उड़ाते रहे वैसे लग रहा है। अब देखते लग रहा है क्वेश्चन। पक्का? चलो नोट कर लो। एक क्वेश्चन दे दो बढ़िया आप कहाँ पर। पक्का बनाओगे? चलो उसको बना के बताना। तो एफ टू प्लस आई नेगेटिव आयन टू फॉर्म क्या बोलेंगे? आई टू जीरो देन टू एफ नेगेटिव आयन। इसके लिए क्या ख्याल है? इसमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा था इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और इसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये बताओ मेरे को। सबको मौका दो। हैं कर लोगे ना? एफ जीरो से कहाँ गए बच्चों? माइनस वन। जीरो से माइनस वन क्या बोलोगे? रिडक्शन। पक्का ना? क्या बोलोगे? आर ओ आर ओ बोलोगे। आर इज अ प्रोसेस, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कर लोगे? आई जीरो से आई नेगेटिव से आई जीरो में आ रहा है ना, तो माइनस वन से जीरो में जाना क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसके लिए क्या बोलोगे? ओ आर ओ आर। हाँ है ना, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये पूछा था, आ गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कहीं पर जेई में पूछा था, एक बार क्या बोलेंगे? नीट में। क्या बोलेंगे? नीट में डाटा देखे। सॉरी क्या देखे बोलेंगे? डाटा देखे। हाँ है ना, ऐसे एक बार रिएक्शन लिख दिया था कहीं पर, उसका डाटा दे दिया था। बताओ कौन का है, कौन का है? ये है। कर लोगे? आराम से। एक क्वेश्चन और देना चाहता हूँ, अब तुम्हें थोड़ा लेवल बढ़ाऊँगा क्योंकि तुम प्रे है ना, प्रो प्लेयर बन चुके हो है ना, कहाँ पर मिशन थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। चलो अगला क्वेश्चन दे दूँ? पक्का? चलो भैया ये लो, सी एल टू ही है ना, सी एल टू ना। ऑक्सीजन जीरो था, एक बार ऑक्सीजन गया प्लस वन बनाया, एक बार ऑक्सीजन बनाया माइनस वन। बेचारे को डब्बे के अंदर बंद कर दो। अब एक कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हम एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, रुक तो अभी ऑब्जेक्टिव तो मेरे को देने दो। क्वेश्चन में बोलना चाहता हूँ विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट है ना, विच वन या इज या आर करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट मतलब क्वेश्चन कैसा बोलेंगे? एम सी क्यूज वाला है, इज एन आर बोला है, ठीक है स्टेटमेंट। आराम से बनाओ भैया, हड़बड़ाना मत, ठीक। देखते हैं तुम लोग कैसे कर रहे हो। पहला स्टेटमेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर है रिड्यूसिंग एजेंट के। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर नहीं है रिड्यूसिंग एजेंट के। तीसरा, ऑक्सीडाइज फॉर्म बराबर है रिड्यूस फॉर्म के। एंड चौथा, रिड्यूस फॉर्म बराबर है नहीं है ऑक्सीडाइज फॉर्म के। और आगे लिख लेना पांचवा ऑप्शन, आई डोंट नो, आई डोंट नो, हमको पता नहीं है। घबराना नहीं है, पहले चलते हैं इधर देखो, समझ देखो। जीरो से कहाँ जा रहा है बच्चा? जीरो से कहाँ गया? प्लस वन। जीरो से कहाँ गया? प्लस वन। प्रोसेस ऑक्सीडेशन, प्रोसेस ऑक्सीडेशन। क्या गाना गाओगे? ओ आर ओ आर, ओ इज द प्रोसेस, आर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। आ गया ना? ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा? ऑक्सीडाइज फॉर्म होएगा, होगा भैया। ऑक्सीजन प्लस वन भी शो करता है फ्लोरिन के साथ, मैं फिर से बता दूँ, घबराना मत कि ऑक्सीजन प्लस कैसे कर रहा है सर। भैया ऑक्सीजन से भी कोई दुनिया में ताकतवर इंसान है, कौन बोलेंगे? फ्लोरीन। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है किसका? ऑक्सीजन का भी। समझ सकते हो? अच्छी बात है। अब एक बार कहाँ पर इधर चलते इस प्रोसेस कहाँ पर, तो ऑक्सीजन से कहाँ चलेंगे? ऑक्सीजन पास चलेंगे ना। अभी कितना तो बोलेंगे? जीरो। जीरो से कहाँ जा रहा है? माइनस वन। क्या प्रोसेस रिडक्शन है? अरे हाँ बोलो। इसके लिए क्या बोलोगे? आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ, आर इज अ प्रोसेस, आर इज अ प्रोसेस, ओ इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
एंड आर इज अ रिड्यूस फॉर्म। चेक कर लो जी, क्या जो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ तो बोलो, जो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही रिड्यूसिंग एजेंट है ना? ये लो, ऐसे चल के रिएक्शन को आगे चल के रेडॉक्स में नाम दिया गया है। रेडॉक्स के बहुत सारे टाइप के रिएक्शन होते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जी पलट जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और हिंदी मीडियम विषम अनुपातन अभिक्रिया। कौन सा? विषम अनुपातन अभिक्रिया, समझ रहे हो ना? मत बोलो सर हम लोग गिर जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या? समझो, अब बताना भैया, क्या इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस फॉर्म के बराबर है क्या? क्या इसको बराबर है क्या? अबे प्लस या माइनस है, अलग अलग है ना? तो बोलेंगे ये तो करेक्ट है भैया, ये करेक्ट, तो ये रिजेक्ट हो गया। ये बताना ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस फॉर्म के बराबर है क्या? नहीं है, लेकिन ये वाला ऑप्शन बराबर है क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। पूछा था करेक्ट क्या है, क्या बोलेंगे? करेक्ट। तो दो ऑप्शन करेक्ट, बाकी सब क्या बोलेंगे? रिजेक्ट। ऐसे एक आध क्वेश्चन और दो बनाओगे? पक्का? बढ़िया क्वेश्चन था, ठोको ताली फिर।